Assalamu alaikum class. So today we'll start with chapter 7, elements of a valid sale. Are you sure we haven't done this before? Okay. A valid sale has four essential elements. Contract or transaction, जिसे हम अग्द कहते हैं, जिसकी basis के पर हमारी सारी transaction हो रही है, जो हम contract करें. As a sale, यहाँ पर sale का contract, sale का agreement. अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये written agreement ही हो. अक्द कब बन जाएगी ये ट्रांजेक्शन अक्द तब बन जाएगी, जैसे कि लेट सपोज हम दुकान पे जाते हैं, हमने कुछ चीज मांगी, उसने हमें दी, हमने उसको कैश दे दिया, ये अक्द हो गया. ठीक है, इसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाब व कबूल, ये सारी चीजें हो चुकी हैं. यहां पर मुंह से कहने की जरूरत नहीं है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, ये एग्रीमेंट हो गया. जब उसने हमें कुछ चीज दी, हमने उसको पैसे दिए, ये अक्द हो गया हमारा. ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, ये ट्रांजेक्शन है, वो जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. यहाँ जुबान से उसको कहने की जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें बेच दी, मैंने तुमसे खरीद ली, इट इज ऑल डन. ठीक है, तो पहली चीज है अक्द, जिसके अंदर पहली चीज आ जाती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, इसके अंदर द टर्म ऑफर मीन्स द वन पर्सन हु प्रपोजेस टू ईदर सेल हिज कमोडिटी टू अनदर पर्सन और बाय अ कमोडिटी फ्रॉम हिम, वो और एक्सेप्टेंस के दूसरे बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है. मींस दैट द पर्सन हु हैज बीन ऑफर्ड गिव्स हिज अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर ऑलवेज डन इन द पास्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव सोल्ड और आई हैव परचेज्ड, दैट देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जब हम यहां पर डील करेंगे, मैंने तुम्हें ये चीज बेच दी, बेचूंगा नहीं या बेच रहा हूं नहीं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज तुम्हें बेच दी, क्योंकि एक चीज डेफर हो सकती है, दोनों चीजें डेफर नहीं हो सकती. मैं बेचूंगा, वो प्राइस देगा, तो वो तो फिर डेफर हो गया ना, तो इसलिए चीज बेच दी, एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट. अब इसको एग्जीक्यूट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक ओरल या वर्बल, कौली. ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस को इजाबो कबूल भी कहा जाता है, कि ऑफर की गई और उसके बाद उसको कबूल कर लिया गया, इजाबो कबूल. ओरल और वर्बल, जिसके इसके अंदर हम उसको कहते हैं कौली, बाय सेइंग और एक्सप्रेसिंग, बाय रिपीटिंग, या आप जो वर्ड्स कह देते हैं उससे आप एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि जी मैं तुम्हें ये चीज बेच दी, जी मैंने ये चीज खरीद ली, ये प्रॉपर कहने से भी हो सकता है. सो द ऑफर इजाब एंड एक्सेप्टेंस कबूल शुड बी कम्युनिकेटेड ओरली वर्बली बिटवीन द पार्टीज इन सच अ मैनर दैट द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड स्पॉन्टेनियसली. For example, one can say, I have sold, but one cannot say, I shall sell to you. मैं तुम्हें बेचूंगा, ऐसा नहीं कह सकते. मैंने तुम्हें ये चीज बेच दी. ठीक है, दूसरा, ये implied भी हो सकता है, इशारतन. ठीक है, और इशारे के अंदर वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बताई, हम दुकान पे गए, उसने हमने चीज दी की, उसने हमें दी, हमने पैसे दे दिए, हो गया, मतलब उसने ऑफर की, हमने एक्सेप्ट कर ली, डील हो गई. इसके अंदर हमारे लिए कहना कि मैं तुम्हें बेच रहा हूं, या मैंने तुम्हें बेच दी, या मैंने तुमसे खरीद ली, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, वो ट्रांजैक्शन अक्द बन जाती है. सो इसके अंदर अगेन दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर एक क्रेडिट सेल है, इस्तिजरार, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, के हमारे पास अब लेट्स सपोज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं पोस्ट पेड, तो उसका बिल एंड ऑफ द मंथ हम सेटल करेंगे, एज कम्पेयर टू कि हम हर रोज हर कॉल करें उसके बाद उसकी पेमेंट करें, तो उसका एक बिल, जैसे बिजली का बिल होता है, बिजली हमने यूज की पूरा महीना, उसका बिल आया कि जी आपने इतनी इस्तेमाल करी, उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर देते हैं. इसी तरह से गैस का बिल या वाटर का, कहीं पर अगर वाटर सप्लाई है या जो डिफरेंट चीजें, टेलीफोन का बिल, जो पहले लैंडलाइंस थी उसके ऊपर जो बिल आता है, तो आप यूज करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपको बिल आता है ना, आपको एडवांस में इस महीने आपने इतना यूज करना है, ये लें बिल, पहले पे कर दें. सो इन दैट केस क्रेडिट सेल इस्तजरार हो सकता है, जहां पर आपको मंथली अपने महीने बाद आप मुझे बता देंगे बिल पे कर दूंगा. जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ न्यूज़पेपर का बिल, दूध का बिल, इस तरह की चीजें जो कॉन्स्टेंटली है वो मंथली पे होती हैं. ठीक है, या एम्प्लॉयज को सैलरी मंथली पे की जाती है. दूसरी होती है हैंड टू हैंड सेल, ताती. ठीक है, अगेन ये इम्प्लाइड इशारा के अंदर ये भी इंक्लूडेड है, क्रेडिट सेल जो थी कि महीने के बाद मैं आपको पे कर दूंगा, जो भी बिल होगा आप महीने बाद मुझे बिल दीजिएगा, मैं आपको पे कर दूंगा, आपने पे कर दिया, सेल हो गई. ठीक है, हैंड टू हैंड सेल, ताती, सिंपल, ये लें, ये दें, थैंक यू, डन, हैंड टू हैंड सेल.
Exchange of money with goods without uttering ijabo kabul is a prudence adopted in various supermarkets and departmental stores. You go, you buy, aap cash dete hain aur done. So ye bhi ek sale ki type hai, hand to hand ye bhi ho sakti hai. Second cheez jo ek element hai sale ka, valid sale ka, that is buyer and seller mutaqqin, ye dono hona zaruri hai aur in dono ki kuch conditions hona zaruri hai. Matlab ek do honge, buyer aur seller to hi contract hoga. ठीक है. दूसरी चीज फिर इनके अंदर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, जैसे कि दोनों में से कोई भी पागल नहीं हो सकता, इनसेन नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता जिसको इस बात की समझ ही ना हो कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. हाँ, वो बच्चा जरूर हो सकता है जिसको इस बात की समझ जरूर हो कि मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि हमारे यहां हम बच्चा 18 ईयर से कम या कॉन्ट्रैक्ट ना करने वाली एज 18 ईयर से कम लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अरब सोसाइटी उस दौर की अगर आप देखें तो वो जरूरी नहीं था कि 18 इयर्स ही एज लिमिट होगी जिसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तो जब एक बच्चा इतना समझदार हो जाए कि उसे ये पता हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या करूं, जैसे कि 2-3 साल का बच्चा है, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. लेकिन 10-15 साल का बच्चा है, 15-1 साल का है, जिसको समझ है कि वो क्या बात कर रहा है, क्या एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है. यहां एज लिमिट इस्लामिक है as compared to the legal जो हमारे यहाँ 18 years की limit है. So buyer and seller, they both should be sane, should be mentally sound at the time of making the contract. बाद में हाँ हो सकता है कि कोई इसमें से mentally insane हो जाए, लेकिन जब वो contract करें तब दोनों sane होने चाहिए. Second, they must be mature. Mature मतलब they should be adults. However, in a case of minor, he must understand the nature of the transaction. कि जो transaction हो रही है उसका nature उसको समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है, क्या transaction हो रही है. Conditions of contract, शर्कतुल अक्द, कि अब next चीज जो आ जाती है वो है contract की conditions. पहले हमने क्या देखा, contract itself, जिसके अंदर contract की transaction थी, जिसके अंदर offer and acceptance वगैरह था. दूसरी चीज थी buyer and seller, मुतकदीन, मुतकैन. और third है condition of contract, शरायत अक्द. मैं ये सोच रहा था शर्त अक्द नहीं, शरायत अक्द होना चाहिए. सेल मस्ट बी नॉन कॉन्टिंजेंट, मतलब कल बारिश होगी तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेच दूंगा, या अगर कल बारिश हुई तो मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी बेच दी. ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जो किसी भी फ्यूचर इवेंट पे कंटिंजेंट हो. या फिर तुम मेरे बच्चे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी दोगे तो मैं तुम्हें ये गाड़ी बेचूंगा, या तो मैं तुम्हें कर्जा दूंगा, तो मैं तुम्हें ये काम करूंगा, तो ये चीज तुम्हें बेचूंगा, या तुम्हें मैंने ये चीज बेच दी अगर तुम मेरे बच्चे को अपनी नौकरी में, अपनी कंपनी में काम दो, नौकरी दो. तो कोई भी कंडीशन किसी भी तरह की, किसी अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंटिंजेंट है, या किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर कंटिंजेंट है, वो नहीं हो सकता, वो वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल, द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टेन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन अ कंटिंजेंसी और चांस. फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स हिज स्टोर हिज स्टोलन कार टू बी, हु परचेजेस इट इन द होप दैट ही विल मैनेज टू रिकवर इट. This sale is void. कि गाड़ी मेरी चोरी हो गई, मैंने आपको बेच दी कि जी, और आपने इस इरादे से खरीद ली कि हो सकता है रिकवरी हो जाए, मुझे लगता है मैं रिकवर कर लूंगा, मैं पुलिस को जानता हूं, मेरे बड़े ताल्लुक है, मैंने रिकवर करवा लेनी है, मैंने खरीद ली. नो, जो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपको उसकी पोजेशन नहीं दे सकता, इस वक्त उसकी ओनरशिप में नहीं है, वो चीज सेल नहीं हो सकती. फ्यूचर इवेंट जी मिल जाएगी, उस बेसिस के ऊपर कि ट्रैकर लगा हुआ है, मिल जाएगी, ट्रैक हो रही है, पुलिस जा रही लेने, तो मैंने वो बेच दी उसने, मैंने खरीद ली. नो, This is not allowed. वो फ्यूचर इवेंट जब हो जाएगा उसके बाद आप सेल कर सकते हैं, हाँ मिल गई है, आपके सामने है, अब आप सेल कर सकते हैं. अदरवाइज जो चीज है नहीं, और स्पेशली किसी फ्यूचर इवेंट के, कल बारिश होगी तो बेचूंगा, तो भी नो, नहीं हुई तो नहीं बिकेगी. तो इस तरह का एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते जिसमें कोई भी कंडीशन लगाई जाए. अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अ सेल मस्ट बी अनकंडीशनल. फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज अ कार फ्रॉम बी विद अ कंडीशन दैट बी विल एम्प्लॉय हिज सन इन हिज फर्म. The sale is conditional and hence invalid. जैसे मैंने कहा था कि जी वो, कि जी मेरे बच्चे को अपनी कंपनी के अंदर नौकरी पर रखो तो मैं तुमसे गाड़ी खरीदूंगा, तो इन दैट केस सेल इनवैलिड हो गई ऑटोमेटिकली. तो ऐसी कोई भी कंडीशन, किसी तरह की भी कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं की जाती. हाँ, कुछ कंडीशन लगाई जा सकती हैं, लेकिन उनके पर हम अभी आते हैं कि क्या कंडीशन लगाई जा सकती हैं. Now, under reasonable conditions, the condition of sale should not go against the contract. For instance, मतलब कि ऐसी सेल ना हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट चली जाए. फॉर एग्जाम्पल,
मैंने आपको अपनी गाड़ी बेची, लेकिन मैंने कहा कि जी ये गाड़ी मैं हर हफ्ते जुमे के दिन इस्तेमाल किया करूंगा, नॉट अलाउड। वो तो सेल के ही अगेंस्ट होगी ना, जब सेल कर दी तो मैं कैसे कंडीशन लगा सकता हूं कि मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, वो तो आपकी प्रॉपर्टी होगी। अब अगर मुझे चाहिए तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि अगर आप दे दें तो थैंक यू, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी सेल करते हुए कि मैं इस्तेमाल करूंगा, तो फिर वो सेल कैसे हुई? इसलिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पिरिट के अगेंस्ट है कंडीशन, वो भी नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि ए टेल्स बी टू डिलीवर द गुड्स विद इन अ मंथ द सेल इज वैलिड, ठीक है कि हाँ, ए ये कह सकता है बी को कि कोई रीजनेबल कंडीशन है कि एक महीने में मुझे चीज डिलीवर कर देना, ठीक है अभी तुम्हारे पास नहीं है, महीने तक डिलीवर कर दो, हाँ ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाती होगी बात तो नहीं होगी, क्योंकि सेल वहां नहीं हो रही होगी। अंडर एन अनरीजनेबल कंडीशन बट इन मार्केट प्रैक्टिस, ठीक है, अगर कोई ऐसी अनरीजनेबल कंडीशन है जो कि मार्केट प्रैक्टिस में है वो लगाई जा सकती है, ठीक है। इफ अ सेल इज अंडर एन अनरीजनेबल कंडीशन बट इज इन मार्केट प्रैक्टिस एंड नॉट अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द कुरान एंड द सुन्ना, द सेल इज वैलिड। कि एक कोई कंडीशन ऐसी है जो अनरीजनेबल है लेकिन मार्केट प्रैक्टिस में भी है और कुरान और सुन्ना के खिलाफ भी नहीं है, आम तौर पे मार्केट में वो कंडीशन होती है, अवेलेबल है, लगा सकते हैं, तो वो अलाउड है, उसको बैन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम बी विद अ कंडीशन दैट बी अंडरटेक्स इट्स फ्री सर्विस फॉर 2 years, द कंडीशन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज वैलिड एंड द सेल इज लॉफुल इन शरिया, बिकॉज आम तौर पे उस मार्केट के अंदर रेफ्रिजरेटर्स की मार्केट में 2 साल की वारंटी या सर्विस दी जाती है, या साल की भी दी जाती है तो ये सर्विस ऐसी है जो दी जाती है, तो अगर उसने साल की जगह 2 की भी दे दी है या जितनी भी दे दी है, दैट इज अलाउड, ठीक है। क्योंकि अब ये कंडीशन है ना कि जी मैं तुमसे खरीदूंगा लेकिन अगर तुम मुझे वारंटी दो, अगर तुम मुझे उसके ऊपर सर्विस दो, उसकी इंस्टॉलेशन फ्री करो, तो अगर मार्केट में ये चीजें अवेलेबल हैं, मार्केट में ऐसा किया जाता है और कंपेटिटर्स भी आपके कर रहे हैं, तो अलाउड है और ये शरिया के अगेंस्ट ना जाती हो, ठीक है। इसमें कोई इंटरेस्ट का, रिबा का या इस तरह का कोई एलिमेंट ना आ रहा हो जो शरिया कहती हो कि ये चीज अलाउड नहीं है, तब तक वो कंडीशन आप लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस में वो कंडीशन है। क्योंकि आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वारंटी भी होती है और इनकी सर्विस वगैरह की भी कभी कभी ऑफर दे दी जाती है। सेल मस्ट बी इमीडिएट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर सेल, कि सेल इमीडिएट होगी। जैसे मैंने कहा था कि जी मैंने तुम्हें बेच दी, ये नहीं कि बेचूंगा या बेच रहा हूं, बेच दी, इमीडिएट होगी, इसके अंदर कोई डेफरमेंट नहीं होगी। अगर डेफर हो रही है दोनों चीजें तो फिर वो फ्यूचर इवेंट है, वो फिर फ्यूचर में उस डेट को दोबारा होगा, आज की डेट वाला एग्रीमेंट नहीं हो सकता। द सेल मस्ट बी इमीडिएट एंड एब्सोल्यूट, दस अ सेल एट्रिब्यूटेड टू योर फ्यूचर डेट और अ सेल कंटिंजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट इज वॉइड। इफ द पार्टीज विश टू अफेक्ट अ वैलिड सेल, दे विल हैव टू अफेक्ट इन अ फ्रेश इट अफ्रेश व्हेन द फ्यूचर डेट कम्स और द कंटिंजेंट इवेंट एक्चुअली अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, A says to B, on the 1st of January, I'll sell my car to you on the 1st of February. The sale is void. ठीक है कि future में आप sale नहीं कर सकते, because it is attributed to a future date. Similarly, if A says to B, if X party wins the election, my car stands sold to you. कि अगर वो जीत गए election, तो मेरी car तुम्हें बिक गई हुई है, मैंने तुम्हें बेच दी हुई है, लेकिन again future event पे contingent आ गई है। इसी तरह से कल बारिश हुई तो मेरी तुम्हारा कार तुम्हें बिकी हुई है, ये भी फ्यूचर इवेंट पे कि कल बारिश हुई तो। द सेल इज वॉइड बिकॉज इट इज कंटिंजेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट अकर। हाउएवर इन सम स्पेसिफिक केसेस अ प्रॉमिस टू सेल ऑन अ फ्यूचर डेट मे बी अलाउड, ठीक है। कुछ केसेस जैसे सलम है और कुछ चीजें, उसके अंदर फ्यूचर सेल अलाउड है, लेकिन अगेन दोनों चीजें कभी भी इस्लामिक सेल के अंदर डेफर नहीं होंगी। कोई एक चीज डेफर हो जाएगी, या प्राइस डेफर हो जाएगी या फिर कमोडिटी की डिलीवरी डेफर हो जाएगी, एक चीज इंस्टेंटली हो जाएगी, या प्राइस पे कर दी जाएगी या कमोडिटी दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ है, सलम है, इतना जा रहा है, हम उसके ऊपर आते हैं अभी आगे, जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। या ओके फाइन, अब आप लैंड बाय कर रहे हैं तो आप लैंड को इंस्टेंटली तो हाथ में नहीं दे सकते ना, ये लो पकड़ो लैंड, या इंस्टेंटली तो नहीं बिक जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होनी होगी, सारा प्रोसीजर होना है, तो
तो उसके लिए आप उसको एक टोकन जो मनी दे रहे हैं वो बेसिकली एक गारंटी दे रहे हैं कि मैं ये तुमसे खरीद रहा हूं, मैंने खरीद ली है तुमसे, मैंने बाकी की पेमेंट करनी है जब तुम मुझे कब्जा इसका दे दोगे। तो आई थिंक इसके अंदर कोई ऐसी इशू नहीं है कि इसको सेल के ऊपर कोई इशू हो। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये डिलीवरी आ जाती है आपके घर पे, होम डिलीवरी आ जाती है, जैसे कि ये ठीक है आपने ऑर्डर कब दिया था, डिलीवर कब हो रहा है, तो उसकी प्राइस तो आपने तब पे नहीं की थी, तो दोनों चीजें डिफर हो रही हैं। जस्ट अ सेकंड, सॉरी अबाउट दैट, वेयर वाज आई, या इसी तरह से ये पिज्जा की डिलीवरी है, या इवन आप ये जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, आपने ऑर्डर प्लेस किया, कैश तो नहीं दिया ना, अभी कैश तो होम डिलीवरी के पर देना है आपने, जब डिलीवर होगा तब, तो क्या इस डिले को भी हम इसमें कर सकते हैं कि नहीं? तो इसके ऊपर अगेन मेरे से कोई इशू नजर नहीं आता ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन क्योंकि जो इस्लामिक कंडीशंस हैं वो स्पेसिफिक हैं और उसके अंदर कोई डिले अलाउड नहीं है, तो इसके ऊपर एक्चुअली मैंने मुफ्ती साहब से इसके ऊपर ओपिनियन लेना है। ठीक है, हमने एक मुफ्ती साहब को हायर किया हुआ अपने पास, राफे अशरफ उस्मानी साहब को एज अ कंसल्टेंट इन आवर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास शरिया के बहुत सारे फिर इश्यूज आ जाते हैं, तो उनसे इसके ऊपर मैंने ओपिनियन लेना है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी उनसे बात हुई है, ये जो पिज्जा डिलीवरी है यहां तक अलाउड है, डिलीवरी का पता नहीं लेकिन बनवाना तक अलाउड है, कि आप जाते हैं उसको कहते हैं वो बनाकर देता है ना आपको, ठीक है ना, अब उसको आप पहले कहेंगे फिर पेमेंट हो, अगर जाकर भी कर देते तो पेमेंट करेंगे फिर वो बनाना शुरू करेगा, बनाकर फिर आपको डिलीवर करेगा, तो इस हद तक तो ये अलाउड है। तो मेरे नजदीक ये जो मेरी उनसे बात हुई थी उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर ये होम डिलीवरी तक भी ये अलाउड है क्योंकि किया जा सकता है, लेकिन इनके ऊपर मैंने एक ओपिनियन उनसे भी लेना है। ठीक है, तो जब तक मैं ओपिनियन ले नहीं लेता फिर मैं आपको वो शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज I might be wrong. Okay, goods for sale or subject matter. Next जो item है कि जो चीज बेची जा रही है उसकी कुछ characteristics हैं जो होनी चाहिए, उसके बगैर सेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जो चीजें हैं उसके अंदर उसको ये certain conditions fulfill करनी है। पहली चीज existence, ऐसी चीज नहीं बेची जा सकती जो अभी existence में आई ही नहीं। ठीक है, जो चीज बेची जा रही है वो एट द टाइम ऑफ सेल एग्जिस्ट करती हो, प्रेजेंट जरूर हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्टेंस में नहीं है वो नहीं बेची जा सकती, अनलेस कि आपका किसी चीज को बनाने का ऑर्डर है, मैन्युफैक्चरिंग का, वो आगे फिर इस्तिस्ना के अंदर हम चले जाएंगे, वो हम जब तब डिस्कस करेंगे इस्तिजरार इस्तिस्ना सलम, वो तब हम देख लेंगे। अदरवाइज जो हम कॉमन सेल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर ही उसकी सेल हो सकती है। The subject matter of a sale must exist at the time of the sale. Thus, a thing which has not yet come into existence or which cannot be delivered, possessed now cannot be sold. जैसे कि मैंने कहा था चोरी हुई गाड़ी इस वक्त तो नहीं है ना, इसलिए उसको बेचा नहीं जा सकता। If a non-existing thing has been sold, even with mutual consent, the sale is void according to Sharia. कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से हम कहेंगे हमने म्यूचुअल कॉन्सेंट है, हम दोनों एग्री करते हैं तो हमें ये करने दिया जाए, नॉट अलाउड। शरिया के परस्पेक्टिव से सेल अलाउड नहीं होगी क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट डज नॉट मैटर। शरिया के परस्पेक्टिव में चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, हम दोनों आपस में तैयार हैं तो हमें बेचने दें, दिस इज नॉट अलाउड। एग्जाम्पल, ए सेल्स द अनबॉर्न काफ ऑफ हिज काउ टू बी, द सेल इज वॉइड। दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन बाय सलम एंड बाय इस्तिस्ना। अब वो अनबॉर्न काफ को बी को नहीं बेच सकता बिकॉज इट इज स्टिल नॉट बॉर्न, इट माइट डाई, एनीथिंग कैन हैपन, सो इसीलिए उसको बेचना अलाउड नहीं है ये। लेकिन ये कंडीशन बाय सलम और बाय इस्तिस्ना के ऊपर अप्लाई नहीं करती, मैं आपको पहले बता चुका हूं।
वैल्यूएबल, सेकंड चीज जो कंडीशन है इसकी कि वो जो चीज बेची जा रही है उसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू होनी चाहिए। मैं ये आपको नहीं कह सकता कि रोड साइड पे पत्थर पड़े मैं ये आपको बेच रहा हूं, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये कांटे श्रब्स पड़ी हुई है मैं आपको बेच रहा हूं, जो भी चीज बेची जा रही है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, सर्टन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेल मस्ट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, दस अ थिंग हैविंग नो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ ट्रेड सच एज अ लीफ और अ स्टोन और अ रोड साइड कैन नॉट बी सोल्ड और परचेस्ड। ये पत्ते पड़े मैं आपको बेच रहा हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए वो सेल नहीं हो सकती। यूजेबल, अब ऐसी चीज जो के सिवाय हराम पर्पस के और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती उसकी सेल भी अलाउड नहीं है। जो यूजेबल हो एक्सेप्ट फॉर हराम पर्पसेस वो चीज आप बेच सकते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेल शुड नॉट बी अ थिंग विच इज नॉट यूज्ड एक्सेप्ट फॉर अ हराम पर्पस लाइक पोर्क वाइन एटसेट्रा, तो उस चीज को आप बेच नहीं सकते जो हलाम हराम पर्पस के लिए यूज होती हो और किसी भी हलाल पर्पस के लिए यूज ना हो सकती हो। कैपेबल ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि या तो उसकी ओनरशिप आप ले सकते हो जैसे कि मैंने उठाई अपनी जेब में डाल ली, या अगर ऐसी चीज नहीं है जैसे कि जमीन है तो वो मेरे नाम पर हो, मेरे टाइटल पे आ सकती हो, मलकियत उसकी एस्टेब्लिश की जा सकती हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं मैं आपको स्काई का इतना टुकड़ा बेच रहा हूं, ना आप उसकी ओनरशिप ले सकते हैं, ना जेब में डाल के फिर सकते हैं, ना ही आप उसके ऊपर लिखवा सकते हैं कि ये स्काई का इतना प्लॉट मेरा है, ना आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। गेट द आइडिया? सो मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मून के ऊपर इतना बड़ा प्लॉट बेच रहा हूं, मैं आपको मार्स के ऊपर प्लॉट बेच रहा हूं, मेक्स नो सेंस। मैं आपको सनलाइट बेच रहा हूं, इतने हिस्से की आसमान के इतने हिस्से की सनलाइट आपकी, आप उसको लेकर नहीं फिर सकते, आप उसको अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवा सकते, इसलिए वो चीज बेची भी नहीं जा सकती। सो कैपेबल ऑफ ओनरशिप या टाइटल, द सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट बी एनीथिंग विच इज नॉट कैपेबल ऑफ ओनरशिप या टाइटल। फॉर एग्जाम्पल सी, स्काई, मैं आपको मैं समंदर का इतना टुकड़ा आपको बेच रहा हूं, वो कभी आपके नाम पर रजिस्टर हो नहीं सकता, ठीक है, उसका आपको ना ओनरशिप दी जा सकती है ना टाइटल दिया जा सकता है। देन कैपेबल ऑफ डिलीवरी एंड पोजेशन, वो डिलीवरेबल हो, उसकी पोजेशन आपको हैंडओवर की जा सकती हो। कोई ऐसी चीज जो कि मैं आपको उसकी पोजेशन नहीं दे सकता वो मैं आपको बेच भी नहीं सकता। सेल ऑफ, जी ये गलत करते हैं, ये शरअन गलत है, ये जहां जहां आप फाइल वाला सिस्टम करते हैं आपने अक्सर देखा होगा इसी के अंदर फ्रॉड भी होता है। फिर आपके साथ जब भी फ्रॉड हो रहा होगा वो उसी में हो रहा होगा जहां फाइल वाले से, तो उसने कभी जमीन खरीदी नहीं, आपको फाइल बेच के फिर भाग गया। ये अक्सर हुए यहाँ सिटी के अंदर हुआ है, एक और इससे पहले कोई मॉल शॉल बना रहे थे, उसकी पूरी वीडियो बना के चलाई, लोगों से पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद भाग गए। ये आज की बात नहीं, आज से कई साल पुरानी बात है। बहुत सारी और ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज है, एक ही अच्छा जगह एक खरीदी, उसकी फाइलें एक ही जमीन के प्लॉट की तीन बार बेच दी, एक एक बंदे को, दूसरी दूसरे बंदे को, तीसरी तीसरे बंदे को। इसलिए प्रॉपर्टी के ऊपर जो रूल है वो बड़ा क्लियर है, दिखाकर कि ये वाला मकान या ये वाली जमीन मैं तुम्हें बेच रहा हूं। यहां तक कि अपार्टमेंट जैसे अगर हम खरीदते हैं कोई, तो ये नहीं कह सकते ये इस जगह के ऊपर मैं ये इतनी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूं 50 स्टोरी, यहां पर तकरीबन 100 अपार्टमेंट होंगे, तो ये नीचे वाला पहला अपार्टमेंट बना पड़ा इस जैसा अपार्टमेंट होगा जो तुम्हें दूंगा। चाहे ऊपर के 100 के 100 सेम बने लेकिन वो किसी और फ्लोर पे होंगे, ठीक है, तो उसको ले जाकर वो बनी हुई बिल्डिंग दिखानी होगी कि ये वाला मकान मैं तुम्हें बेच रहा हूं भाई, उसके बगैर ये अलाउड नहीं है। सो ये जो जस्ट फॉर नो रीजन हम जैसे बेच लेते हैं कि हमने फाइल्स बेच दी, जमीन बाद में देख रहे हैं कि अभी लेनी है कि नहीं लेनी, सो दैट इज नॉट अलाउड। चीज प्रॉपर्टी दिखाकर बेचना जरूर, उसके चीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है फॉर इट टू बी सोल्ड, तो ये डील ट्रांजेक्शन टोटली हराम हो जाती है। तो कैपेबल, अगेन कैपेबल ऑफ डिलीवरी एंड पोजेशन भी नहीं है वो, जब है नहीं तो डिलीवर भी नहीं कर सकते, पोजेशन भी नहीं दे सकते। सो सेल ऑफ एनीथिंग दैट डज ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड इज वॉइड। फॉर इंस्टेंस अ चेयर व्हिच इज नॉट येट प्रिपेयर्ड कैन नॉट बी डिलीवर्ड और पोजेस्ड सिंस इट डज नॉट एग्जिस्ट।
मैं कौन जी आपको मैं चेयर बेचूंगा, मैंने आपको चेयर बेच दी, चेयर है ही नहीं यहाँ पर, चेयर तो अभी है ही नहीं ना, तो बेची कैसे? सो इसलिए जो आपको मैं दे नहीं सकता, आप उठा के ले जा नहीं सकते, अपने नाम पे नहीं करवा सकते, या उसकी पोजेशन नहीं ले सकते, वो चीज बिक भी नहीं सकती। स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज बेची जा रही है उसकी स्पेसिफिकेशन और उसकी क्वांटिटी भी तय कर ली जाए। मतलब अगर मोबाइल फोन ले रहे हैं तो जी ये इतने जीबी मेमोरी का होगा, ये इतने जीबी मेमोरी का होगा, इसमें ये प्रोसेसर होगा या ये होगा, इसमें ये कैमरा होगा या ये होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस तय कर ली जाएंगी। या सर्टन मॉडल है तो उसका आपको पता ही है ना, इस मॉडल में यही चीजें होती हैं, तो वो मॉडल स्पेसिफिक बता दिया जाएगा और फिर क्वांटिटी भी तय होगी कि कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, एक खरीद रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं, 15 खरीद रहे हैं, तो ये चीजें पहले से तय होंगी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। The subject matter of sale must be specifically known and identified either by pointing out the asset or by detailed specification that can distinguish it from other things which are not sold. For instance, there is a building comprising of a number of apartments built in the same pattern. A, the owner of the building says to B, I sell one of these apartments to you. B accepts the offer. The sale is void unless the apartment intended to be sold is specifically identified or pointed out to the buyer. जो मैंने अभी आपको बात बताई कि वो कह जी ये बिल्डिंग बनी पड़ी, इसमें से एक अपार्टमेंट तुम बेचोगे, सब एक जैसे हैं। नो, आपको स्पेसिफिक बताना है, ये वाला अपार्टमेंट बेच रहा हूं, उसको देख लो, तसल्ली कर लो, ये वाला तुम्हें मैं बेच रहा हूं, तो सेल ठीक होगी, अदरवाइज सेल वॉइड हो जाएगी, नॉट अलाउड। नेक्स्ट, सेलर मस्ट हैव टाइटल एंड रिस्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अगेन, कि सेलर कोई चीज तब तक आपको नहीं बेच सकता, वो वॉइड होगी, अनलेस वो उसकी मिल्कियत में है, उसकी उसके टाइटल में है और उसका रिस्क उसके साथ है। ठीक है, ये जैसे कि एक चीज है जो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, और वो मेरे टाइटल मेरे नाम पे भी नहीं, किसी और के नाम पे है, मैं वो चीज आपको नहीं बेच सकता जब तक वो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे टाइटल पे नहीं है, मेरे रिस्क पे नहीं है। उसको नुकसान हो जाए तो उस बंदे का नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं सिर्फ उसके बिहाफ पे डील करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सेलर के पास पोजेशन होनी चाहिए, अनलेस आई एम हिज एजेंट, मैं उसका एजेंट हूं, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अदरवाइज मैं उसकी चीज नहीं बेच सकता जो मेरी मिल्कियत में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें होता ही है कि जैसे आजकल ये ब्लैक फ्राइडे और ये सारी सेल्स चल रही हैं थैंक्सगिविंग की, तो बहुत डिस्काउंट के ऊपर चीजें मिल रही है, तो ये जो फेसबुक पे कुछ फीमेल्स हैं जो ये बिजनेस करती हैं, कि या तो उनके को रिलेटिव्स हैं उनसे मंगवा लेती हैं या जाके कोई ले आती हैं, लेट्स सपोज, तो उसमें दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो आपसे ऑर्डर लेंगी, फिर खुद जाती हैं या किसी और से मंगवाती हैं अपने पास और फिर आपको भेजती है, वो तो है सही, वो है वैलिड, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट आता है, उसकी ओनरशिप भी आती है, उसका टाइटल भी आता है और उसका रिस्क भी आता है कि अगर उसको कोई नुकसान हो जाए अब आप तक पहुंचने तक, तो वो नुकसान उसका है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मॉडल है उसके अंदर वो आपका ऑर्डर लेती है, आगे किसी को ऑर्डर दे देती है, वो उसको कहती है डायरेक्टली इसको भेज दो, वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। इस केस में ना उसके पास ओनरशिप आई, ना उसके पास रिस्क ट्रांसफर हुआ। अब अगर प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज हो जाता है तो नुकसान किसका? जिसने भेजा था। इसलिए ये सेल नहीं अलाउड, क्योंकि जिसने बेचा उसके पास रिस्क ही नहीं आया उस चीज के नुकसान का। गेट द आइडिया? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल, दस व्हाट इज नॉट ओन्ड बाय द सेलर कैन नॉट बी सोल्ड, इफ ही सेल्स समथिंग बिफोर एक्वायरिंग इट्स ओनरशिप एंड द रिस्क द सेल इज वॉइड। For example, A sells to B a car which is presently owned by C, but A is hopeful that he will buy it from C and shall deliver it to B subsequently. मतलब कि हमने एक गाड़ी देखी, बड़ी पसंद आई कि यार ये अच्छी है, इसको ना ये सस्ते में मुझे दे रहा है, मैं आगे इसको महंगा बेच सकता हूँ, मुझे तो चाहिए नहीं, मैंने खरीदनी भी नहीं है, मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं देख आता हूँ उससे प्राइस डील कर लेता हूँ कि कितने में देगा, आगे मुझे किसी बंदे का पता है जो मुझसे कह रहा था कि मैं इतने तक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मुझे पता मैं इसको बेच सकता हूं, अब मैं पहले उससे बात तय कर लूं ताकि मैं जब खरीदूं तो मेरी सेल हुई भी हो। ठीक है, और पहले उससे बात तय करके बेच दूं और बाद में जाके खरीदूं, ये अलाउड नहीं है। एसेट आपके रिस्क पे, आपकी पोजेशन में होना चाहिए। उस दौरान अगर एसेट को कुछ हो जाता है, गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो नुकसान होगा वो ओरिजिनल ओनर को होगा, मेरा तो नहीं होगा जो मैं आगे जाकर किसी को बेच रहा हूं। इसलिए मेरी ओनरशिप होनी चाहिए जब मैं बेच रहा हूं।
so the sale is void because the car was not owned by A at the time of the sale. The speculation in shares without acquiring ownership and risk is another example. कि speculate करते हुए आप उसके ऊपर purchasing या फिर इसके अलावा derivatives कर लें. जैसे कि मैंने अभी लास्ट एग्जांपल दी थी, उसके अंदर भी मैंने किसी से एक परफ्यूम मंगवाया, तो मुझे किसी को गिफ्ट करना था, तो वो जब मेरे पास डिलीवर हुआ, वो खुद डिलीवर करती थी, खुद लेकर आती थी या मंगवाती थी, तो वो मेरे तक जब पहुंचा तो मैंने देखा कि इसमें से आवाज आ रही है और काफी लाइट लग रहा है. मैंने ओपन, तो उसके अंदर से वो टोटल बॉटम ब्रोकन थी, बिल्कुल टूट गई थी बहुत बुरी तरह से. सो आई टोल्ड हर कि ओके, ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से डैमेज मेरे पास रिसीव हुआ है. तो उसका रिस्क उसके ऊपर था, उसने मुझे वो रिप्लेस करके दी. इन दिस केस के वो खुद ना दे रही थी, किसी और से भेजी होती तो उसका रिस्क उसके ऊपर होता, उसको वो रिप्लेस करनी पड़ती. इस वजह से ये सेल ट्रांजैक्शन में इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिसने बेचा है उसके पास रिस्क और पोजेशन आएगा तो वो आगे बेच सकता है. ठीक है, तो वो अलाउड है लेकिन अदरवाइज अलाउड नहीं है. अब इस केस में भी ये बेसिकली डेफर होता है ना, मैंने ऑर्डर दिया, वो लेकर आएंगे फिर मुझे डिलीवर करेंगे. इस ट्रांजैक्शन का जो मैंने क्योंकि मुफ्ती साहब से डिस्कस किया हुआ है, ये उन्होंने मुझे कहा था कि अलाउड है जब तक वो खुद खरीद कर लाए या अपनी पोजेशन में लेकर खुद मुझे डिलीवर करें, अनलेस के किसी और से थर्ड पार्टी ले दें. इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो पिज्जा और होम डिलीवरी बाकी चीजों की है ये अलाउड है, इसके अंदर मुझे डाउट नहीं है कोई, लेकिन हो सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक बार ओपिनियन दोबारा ले लूंगा. किस चीज को मतलब दोबारा बताएंगे? ठीक है, आपकी ओनरशिप नहीं आई, आपका रिस्क इन्वॉल्व नहीं हुआ. रिस्क और ओनरशिप आनी चाहिए, पोजेशन होनी चाहिए. ठीक है, उसके अंदर जो चीज है ना वो है पोजेशन, कि आपके पास वो चीज है भी सही, या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तो ना मेरे बिहाफ पे उसके पास है, आपके पैसों से खरीदी गई हो, कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन हो कि आपके बिहाफ किसी और के पास पड़ी है, लेकिन आप जब कहेंगे वो आपको दे देगा, और रिस्क भी अपने इस बिहाफ के ऊपर अपने पर लिया है, तो वो अलाउड है. जैसे कि मैंने एक गाड़ी है अपनी, मैंने बेचनी है, मैंने किसी के पास रखवाई भी कि भाई अपने शोरूम पे रख लो, बिक जाए तो ठीक है, वरना मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बेचने की, मैं भी बेच लूंगा. अब जब मैं बेच रहा हूँ तो मुझे पता है कि गाड़ी मेरी ही है, उसके शोरूम पे खड़ी है, चाबी उसके पास है, लेकिन जब मैं मांगूंगा मुझे दे देगा, तो मैं जैसे ही मुझे कोई कस्टमर अच्छा मिला, मैंने कहा हाँ भाई मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ, मैं बेच सकता हूँ गाड़ी मेरी पोजेक्शन में, अगर उसको शोरूम में कोई नुकसान हो जाए, फ्लड आ जाए, जलजला आ जाए, गाड़ी पे कुछ गिर जाए या शोरूम पे खड़ी कहीं पर लग जाए, किसका नुकसान होगा? शोरूम वाले का नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा, गाड़ी मेरी है, इसलिए वो मेरी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में कम से कम है, अगर मेरी फिजिकल पोजेशन में नहीं है तो. मैंने उसके पास खड़ी की और मुझे पता है जब मैं कहूंगा वो मुझे दे देगा, सो वो मैं बेच सकता हूं. नेक्स्ट चीज प्राइस, सामान, ये भी क्वांटिफाई स्पेसिफाई सर्टेन होना जरूरी है और इसकी डिलीवरी भी होना जरूरी है. सबसे पहली चीज क्वांटिफाइड, मीनिंग द यूनिट ऑफ प्राइस शुड बी नोन एग्जैक्टली कि किस करेंसी के अंदर ये चीज डील हम कर रहे हैं, किस करेंसी के अंदर, मतलब मैं तुम्हें ये चीज इतने में बेच रहा हूं, लेकिन इतने क्या 10,000 में बेच रहा हूं, 10,000 क्या डॉलर, पाउंड, यूरो, रुपीज, वी डोंट नो, सो स्पेसिफाई किया जाएगा किस करेंसी, किस यूनिट के अंदर वो बेची जा रही है. देन क्वांटिफाई करने के बाद, मालूम करने के बाद, स्पेसिफाइड एंड सर्टन कि कितनी अमाउंट है, स्पेसिफाई करके सर्टन किया जाएगा, मुतय्यन किया जाएगा. फॉर अ सेल टू बी वैलिड द प्राइस शुड बी एसर्टेन एंड स्पेसिफाइड सच एज द टोटल अमाउंट इन रुपीज एटसेट्रा कितनी है. ऐसे अक्सर होता है, आप देखेंगे कि शॉपिंग करते हैं, ओ सर आप ले जाए हम फिर देख लेंगे इसकी प्राइस को. नॉट अलाउड, सेल नहीं होगी अगर आप इस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे तो. ये दोस्ती में देखेंगे आप कहाँ जा रहे हैं यार, हम कर लेंगे कोई बात नहीं, ये तो प्राइस देख लेंगे कोई बात नहीं. नॉट अलाउड, प्राइस तय होगी तो सेल होगी, अदरवाइज वो सेल वॉइड हो जाएगी, इसलिए प्राइस का पहले तय होना जरूरी है.
सो प्राइस स्पेसिफाई की जाएगी कितने रुपए टोटल अमाउंट उसकी क्या है और पहले से मुतय्यन होगी जब सेल हो रही होगी, प्राइस को ऐसे ओपन नहीं छोड़ दिया जाएगा. इफ द प्राइस इज अनसर्टेन द सेल इज वॉइड. फॉर एग्जांपल ए सेज टू बी इफ यू पे विद इन अ मंथ द प्राइस इज रुपीज 50 बट इफ यू पे आफ्टर टू मंथ्स द प्राइस इज रुपीज 55 बी एग्रीज. The price in this case is uncertain and therefore the sale is void unless any one of the two alternatives is agreed upon by the parties at the time of the sale. ये अब उससे थोड़ी सी different है लेकिन बात वही आ जाती है क्योंकि पहले में भी price uncertain है. वो सर कर लेंगे कोई बात नहीं आप ले जाएं बस no problem. यहाँ भी price uncertain है और ये इस case के अंदर भी कि जी एक महीने में दोगे तो 50 रुपए, दो महीने में दोगे तो 55 रुपए. Price आ जाता है कि जी दो महीने में दूंगा 55 रुपए के ऊपर price तय कर ले no problem. एक महीने में दूंगा 50 पे प्राइस तय कर लें नो प्रॉब्लम. लेकिन ये कि जी महीने बाद दोगे तो इतने, दो महीने बाद दोगे तो इतने, ये अलाउड नहीं है. किसी एक के ऊपर आज तय कर लीजिए कि ये वाली प्राइस पे मैं लेकर जा रहा हूं, इतने टाइम में पेमेंट कर दूंगा. फाइनल हो जानी चाहिए कि इस प्राइस पर लेकर जा रहा हूं मैं चीज. डिलीवरी और पोजेशन जिसे हम कहते हैं कब्जा. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेल मस्ट बी इन द फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर व्हेन ही सेल्स इट टू अनदर पर्सन. मैंने फिजिकल भी बता दी आपको कि आपके पास पड़ी, जैसे कि ये कब मेरे पास पड़ा है मेरी फिजिकल पोजीशन में मैं आपको बेच सकता हूँ. सिमिलरली मेरी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में मैंने किसी के पास रखवाया हमारे क्लर्क के पास कि यार अपने पास रख लो जब मुझे चाहिए होगा मैं तुमसे ले लूंगा. मुझे पता है मैंने उसके पास रखवाया तो वो मुझे दे देगा जब भी मुझे चाहिए होगा. तो वो मेरी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के अंदर है कम अज कम और उसका रिस्क मेरे साथ ही, उसको कुछ हो जाएगा तो वो मेरा नुकसान होगा. मूविंग फॉरवर्ड फिजिकल हकीकी. फॉर एग्जाम्पल ए हैज परचेज अ कार फ्रॉम बी, बी हैज नॉट येट डिलीवर्ड इट टू ए or to his agent. Therefore, A cannot sell the car to C. If A sells it before taking its delivery from B, the sale is void. मतलब physically मेरे पास होनी चाहिए वो चीज़. And lastly, number four, 4.2, constructive hukmi. अब constructive possession में आपको detail में समझा चुका हूँ, मैं read कर देता हूँ. Constructive possession means a situation where the possessor has not taken the physical delivery of the commodity, yet the commodity has come into his ownership and all the rights and liabilities of the commodity are passed on to him, including the risk of its destruction. For example, A has purchased a car from B. B, after identifying the car, has placed it in a garage to which A has free access. And B has allowed him to take the delivery from that place whenever he wishes. Thus, the risk of the car has passed on to A. The car is in the constructive possession of A. If A sells the car to C without acquiring physical possession, the sale is valid and allowed. Chapter 8, Sale. Sale, ye jise hum bai kehte hain Arabic ke andar, is commonly defined in the Sharia as the exchange of a thing of value by another thing of value which with mutual consent. Jo another thing of value usually cash hoti hai. For example, the sale of a commodity in exchange for cash. Valid sale ya buy sahi jo hoti hai uske liye char cheezon ka hona zaruri hai, char necessary conditions hain jiske bagair sale valid nahi hoti. Contract, aqd, jis contract ke tahat wo cheez sale ho rahi hai. Maine kaha tha ke iske liye iske alfaz ko कहना जरूरी नहीं होता. सब्जेक्ट मैटर मबी, जिस चीज को बेचा जा रहा है. देन प्राइस, वो थामान जिस चीज के, जिस प्राइस के ऊपर उसको बेचा जा रहा है. एंड पोजेशन और डिलीवरी, कब्जा दिया जाए उसकी पोजेशन दी जाए. ठीक है, ये चार चीजों का होना जरूरी है फॉर अ वैलिड सेल. वॉइड या नॉन एग्जिस्टिंग सेल बाय बातिल, वो सेल जो बातिल है. ओके, या सेल कब वॉइड हो जाएगी, जब इनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही होगी. ठीक है, सेल विल बी वॉइड इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंडीशन ऑफ बायर एंड सेलर, गुड्स फॉर सेल और सब्जेक्ट मैटर आर नॉट कंप्लीट कंप्लाइड विद. ठीक है, कि ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कंडीशन फॉर बायर एंड सेलर पूरी नहीं हुई, कोई एक पागल था तो सेल हो गई या बच्चा था, और गुड्स फॉर सेल या सब्जेक्ट मैटर की कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हुई, in that case sale void ho jayegi. In a void sale the buyer does not have the title to the subject matter and the seller does not have the title to the price. That means ki agar sale ho bhi gayi thi to usko buyer ko saman wapas karna hoga as it is
और जो सेलर था उसको एज इट इज पूरे पैसे वापस करने होंगे। हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हमारे दुकानदार अक्सर करते हैं, कि अगर आप कोई चीज वापस करने उसको चले गए कि भाई ये चीज ऐसे नहीं थी, ये गलत हो गई है, वो कहेगा जी ठीक है मैं आपसे रख लेता हूँ, लेकिन मैंने आपको 1,000 की बेची थी, मैं 700 रुपए में रखूंगा, ठीक है ना। वो कहता जी मैं पिछले का प्रॉफिट भी रखूं और फिर नहीं, मैं जितने में खरीदता हूँ उससे कम या उतने में खरीदूं ताकि मैं इसका भी प्रॉफिट दोबारा कमा सकूं। ये चीज अलाउड नहीं है। जब सेल वाइड हो गई, खत्म हो गई, नल एंड वाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो जो चीज दी गई थी वो वापस की जाएगी और जो प्राइस दी गई थी वो वापस की जाएगी। दिस शुड बी अंडरस्टूड कि सेम अमाउंट वापस की जाएगी, अप डाउन नहीं हो सकती। एग्जिस्टिंग सेल बट वॉइड ड्यू टू डिफेक्ट, जिसे हम कहते हैं बाय फासिद, कि सेल तो हुई है लेकिन वो वॉइड है बिकॉज उसके अंदर कोई डिफेक्ट है। अब ये आमतौर पे तब होता है जब आपने चीज को इंस्पेक्ट नहीं किया था, देखा नहीं था पहले, और बाद में पता चला कि इसके अंदर ये चीज आ गई तो आप उसको वापस करते, लेकिन कोई डिफेक्ट की वजह से चीज सेल वॉइड की जा सकती है। सेल विल एग्जिस्ट बट विल बी वॉइड ड्यू टू डिफेक्ट इफ द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर कंडीशंस, के सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए वो पूरी नहीं हुई, या कंडीशंस ऑफ प्राइस, उनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई, आर नॉट कंप्लाइड विद। However, if the defect is rectified, the sale becomes valid. For example, आपसे कहा गया कि जी आपको 128 GB का मोबाइल फोन दिया जाएगा, लेकिन जब फोन मिला तो 64 GB का था, तो अगर तो सेलर उसको रेटिफाई कर देता है, 128 का दे देता है, तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको वो चीज वापस करते, सेल वाइड हो जाएगी। इन अ फासिद सेल द बायर शुड नॉट पोजेस द सब्जेक्ट मैटर, इफ पोजेस्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, टाइटल और ओनरशिप विल पास टू द बायर, बट यूजेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विल बी इम्परमिसेबल, ही मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर। तो वो रख तो सकता है उसके कहने के पर, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसको ये चीज वापस करनी है सेलर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट, वैलिड बट डिसलाइक्ड सेल बाय मकरूह, ये वो सेल है जो जैसे कि उस वक्त की जाए जैसे कि जब जुमे की अजान हो चुकी थी, तो जब उसके बाद हुक्म है कि जुमे की अजान जब हो जाए तो सब काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल पड़े, तो उस वक्त सेल हुई तो ये चीज मकरू हो जाएगी, इसको पसंद नहीं किया जाएगा। ये वैलिड है लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया कि उसको रोक देनी चाहिए थी, फिर जुमे की नमाज के बाद आकर ये डील फाइनल करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसने कर ली इसलिए ये चीज प्रेफर नहीं की जाएगी, इसको बुरा समझा जाएगा कि अच्छा नहीं किया गया, लेकिन सेल हो जाएगी। अ सेल विल बी वैलिड बट मकरू व्हेन द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट एंड वन गेट्स पोजेशन ऑफ द गुड्स बट इज डिसलाइक्ड। फॉर एग्जाम्पल, सेल आफ्टर जुमा अजान, सेल आफ्टर होल्डिंग और वेयर अ थर्ड पार्टी इंटरवीन्स टू बाय समथिंग व्हिच वाज अंडर नेगोशिएशन फॉर सेल बिटवीन अदर पार्टीज, या फिर होल्ड करके चीजों को स्टोर करके फिर बाद में महंगा करके बेचना, ये भी सही नहीं है। सेल तो हो जाएगी लेकिन सही नहीं होगी, मकरू होगी। इसी तरह से जो आपकी ये जो दो पार्टीज के आपस में डील हो रही थी, उनका नेगोशिएशन थी कि अगले महीने तक हम इसको नेगोशिएट कर लेंगे, तो बीच में किसी थर्ड पार्टी ने इंटरवीन किया और उन्होंने पहले वो चीज परचेज कर ली किसी पार्टी से, तो ये भी मकरू होगी, अलाउड नहीं है, क्योंकि पहले उसको वेट करना चाहिए था, पहली पार्टी के साथ डील खत्म करनी चाहिए थी।